राखी कहाँ है तू? तो गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं ही डेली ज्यादा हो रही है। जब तक सो रखा है 6 महीने हो गए थे मुझे यूट्यूब पर, तब जाके मुझे पता चला कि सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राखी नेगी, मैं हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन से। सुबह के बज रहे हैं 9, नाश्ता पानी मैंने कर लिया है और अभी घर का काम बाकी है। तो मेरे हाथ में है ये झाड़ू, तो झाड़ू ही मारने वाली थी मैं, तब तक मैंने देखा मेरी नजर गई मेरे फोन के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ ऑन टॉपिक पर। एक कमेंट मेरे लिए आया हुआ था कि दी आपने कब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने कब से व्लॉगिंग स्टार्ट की और क्या सोचकर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो अगर आप लोग भी व्लॉग शुरू करना चाहते हो तो ये वीडियो मेरा ज़रूर देखें। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो मैं बहुत सारी जानकारी भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी और वीडियो में बने रहना। तो घर का काम निपटा के फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग कहीं जाइएगा मत। तो झाड़ू तो मेरा हो ही गया है, मार दिया है मैंने झाड़ू। तो अब मैं थोड़ा पहले कपड़े धो लेती हूँ, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो कपड़ों के लिए पानी देखते हैं, तो अंडरग्राउंड टंकी में पानी थोड़ा बहुत रह गया है, भरने ही वाली है टंकी हमारी। तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और बेटा मेरा अभी सो ही रखा है, तो क्यों ना सोने का फ़ायदा उठाया जाए और फटाफट से कपड़े घिसे जाए पहले ब्रश मार के, है ना। कपड़े ही धोने वाली थी तो इतने में यहाँ पर आ गई एक गाय, तो वो घास खा देगी। तो यहाँ देखो पता नहीं कितने गाय छोड़ रखी है उन लोगों ने। तो आप लोग देख सकते हो पता नहीं लोगों ने कितनी गाय छोड़ रखी और सारा घास खा देती है यहाँ हमारे हमारा। वो लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, इन गायों को ऐसे मत छोड़ो भाई, यहाँ उजाड़ खा रहे हो। यहाँ देखो एक वहाँ गेट पे खड़ा हो रखा है, है ना। तो गाइज वहां से मेरी सास जी मुझे टुकुर टुकुर देखने में लगी हुई है और बोल रही इधर ला कैमरा, यहाँ पे लेवल मुझे दिखा। तो मैं पहले उनके सामने चलती हूँ जरा उनको दिखाने के लिए कपड़े। वहां से मुझे आवाज मारने पर लगे हुए है और मैं जानबूझ के हाँ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ पहले, फिर वो नहीं तो नाराज हो जाएंगे। टंकी मैंने कर ली है बंद। चलिए दोस्तों चलते हैं उनके सामने और सास जी के पास देते हैं माइक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सास नीचे बैठी और बुआरी के मजे पड़ रहे हैं। लो ये बोलो हेलो। तो यहाँ पर क्या बोलो बोलो हेलो राखी राम राम मतलब हेलो हेलो राखी कहाँ है तू? खाना खा दिया तो नहीं? नहीं शाम वक्त खाएगा अब? नहीं सुबह खाएगा। नहीं नहीं अब शाम को खाना, सुबह खा दिया तूने? ना परवाद तो उसकी परवाद का बटा है इन और इन इन बोलो तेरे वो कहा है चुनु मुनो? अच्छा अब बड़ा चुनो फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ पहले, और सर मैंने चुन्नी भी नहीं बांध रखी है, तो छोड़ो चुन्नी मुन्नी धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है। जब तक उसे सो रखा है तो फटाफट मैं कपड़े धोती हूँ और मिलती हूँ आपको कपड़े धोने के बाद। गाइज मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मैं डेली के कपड़े धोती हूँ या फिर आप लोग भी डेली के कपड़े धोते हो। मतलब जब मैं सोचती हूँ कि मैं आज कपड़े नहीं धोऊंगी तो पता नहीं कहाँ से कपड़े आ जाते हैं धोने के लिए। कल भी मैंने ये सोचा था, मैंने कहा हाँ आज कपड़े नहीं है तो पता नहीं इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए थे धोने के लिए। तो चलते हैं फिर और सुखाती हूँ मैं थोड़ा कपड़े, फिर मार के छत पे फिर करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। तो आज का टॉपिक जो मेरा रहेगा वो यही है कि क्या बोलते हैं मैंने कब से स्टार्टिंग की ब्लॉगिंग और क्यों की।
तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ। और ये चादर वगैरह मैंने इसलिए धोया आज क्योंकि ना कल रात मैंने बनाई सूजी, और मेरा छोटा बेटा है ना मोटू लाला, खाने के लिए माँ है तो उसने बहुत ज़्यादा खा दी, और रात पता नहीं क्या हो गया उसको ज़्यादा खाने की वजह से उसने इतनी उल्टियाँ कर दी रात, पूरा चादर खराब, वो खराब, कपड़े खराब। तो फिर मुझे कपड़े धोने ही पड़े, तो पहले मैं सोचती थी कि मैं कपड़े ना धोऊं, है ना, क्योंकि कम थे। तो मैंने निकाले 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 कपड़े, तो धोने लायक हो ही गए थे, तो क्या करें फिर कपड़े तो धोने ही है ना, रोज के हो जाते हैं। और यहाँ तो बाकी काम भी क्या यही था, बस एक तो डेली के कपड़े धो, और अभी मुझे वैसे मुझे नहाना भी है, तो मैं नहाना धोना बाद में करूँगी, क्योंकि मेरे पास जैसे कि मैंने बताया मेरे पास वक्त बहुत कम है, और मैं बेटाइम बेकूब बगते हूँ, क्योंकि जो अभी सब लोग नहा धो के रेडी हो जाते, मैं तब नहाऊँगी, पहले मैं ब्लॉग बना देती हूँ फिर तब नहाऊँगी मैं, क्योंकि तब मुझे ऋषि को भी नहलाना है। पहले मैंने सुबह के लिए पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, क्या वो नहीं नहीं मोटर लगा रखा क्योंकि पानी टंकी में। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच गई हूँ कपड़े सुखा 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 के नीचे, और अब मैं बैठ गई हूँ, और चलो करते हैं फिर ब्लॉग शुरू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये था कि आपने ब्लॉग कब से स्टार्ट किया, और यही था मतलब आपने कब से स्टार्ट किया। तो वैसे तो उसमें दिख जाता है, अगर आप लोग किसी का भी देखना चाहोगे तो यूट्यूब पर दिख जाता है उसमें जिनका चैनल है कि कब से इस इंसान ने ब्लॉग शुरू किया। तो मेरा जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग नहीं डाला, मैंने उस टाइम पर एक छोटी सी वीडियो डाली, शॉर्ट वीडियो, तो वो डाली मैंने मतलब 29 मार्च 2023 को। तो उस टाइम पर मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं आगे जाके ब्लॉगिंग करूंगी या फिर मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मतलब मुझे यूट्यूब के बारे में इतना सा भी पता नहीं था यूट्यूब पर होता क्या है। खाली मुझे जब से ये पता चला कि हम यूट्यूब पर भी हम भी ब्लॉग वीडियो डाल सकते हैं, तो मैंने ऐसी छोटी सी वीडियो डाल दी। उससे पहले मतलब जब उससे पहले मेरे पास दूसरा फोन था, तो उस टाइम पर मैंने ब्लॉग बनाने का सोचा, वह तब मतलब मुझे पता चल गया था कि ब्लॉग मतलब इसमें बनाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन मुझे कुछ नहीं था पता कि कहाँ से एडिटिंग वगैरह होती है, कैसे होता है, कुछ भी मतलब होता है ना जब इंसान को, मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं ऐसे बनाती रही, एडिट करती रही, और पता ही नहीं था कि क्या उसमें रेशो होना चाहिए, क्या मतलब क्या क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने ऐसी डाल दी भाई साहब वीडियो, तब मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार मैं डाल अपलोड तो कर रही हूँ लेकिन ये दिख ऐसे क्यों रहा है। होता है ना उसमें हमें रेशो वो करना पड़ता है कि किस किस चीज मतलब किसके लिए हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, जो भी होता है उसमें। तो जिनको एडिटिंग आती है उनको पता होगा, मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं था। तो मैं यूट्यूब के लिए ब्लॉग वो करती रही एडिटिंग, और उसका रेशो करती रही दूसरा वाला इंस्टाग्राम वाला। और जैसे मैं यूट्यूब पर खोल रही अपना वीडियो, मैं सोच रही आ रही ऐसे क्यों आ रहा है इसमें, मुझे मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। तो जो मैं ब्लॉग बनाती पता कैसे बनाती थी आप लोग यकीन नहीं करोगे, तो मैं ऐसे बनाती थी ब्लॉग, कैमरा यू पकड़ा, हेलो हाय गाइस कैसे हो आप सभी, और बना दिया जो मेरा पहला वाला फोन था, ठीक है, बनाया मैंने ब्लॉग, फिर मैंने वो किया एडिट वगैरह किया, मैंने बोला है इसमें ऐसे क्यों दिख रहा है, फिर वो वाला फोन मेरा फूट गया, ठीक है, उसमें चैनल था मेरा, अगर आप लोग सर्च करोगे राख लेगी तो एक मेरा पुराना चैनल भी है। तो उसके बाद मेरा फोन हो गया खराब, फिर वो फोन भी गया, फिर मैंने स्वामी जी को बोला, मैंने कहा यार मुझे दूसरा फोन चाहिए, फिर स्वामी जी मेरे लिए दूसरा फोन लाए, गई हुई थी मैं अपने मायके, तो मायके में मैंने ऐसे अपने दिमाग लगाया, मतलब मैंने सोचा यार मैं ऐसे में बनाती हूँ, एक बार ऐसे में बनाती हूँ वीडियो, तो मैं ऐसे बनाया वीडियो। और उसके बाद मैं ससुराल पहुंच गई, फिर तब जाके मैंने वो वाला वीडियो डाला, मैंने कहा हाँ यार इसमें तो ऐसे बनाने पड़ते हैं ब्लॉग। फिर जो नई ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने उस टाइम पर, मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला, ठीक है, फिर जो मेरा अभी भी आप लोग फर्स्ट ब्लॉग देखोगे इसी चैनल पे। तो फिर मैंने दूसरा फोन लिया, फिर उसमें मैंने नया चैनल खोला, नया चैनल खोलती मैंने ब्लॉग बनाया, मैं गई हुई थी सारी में नीचे, मतलब तो वहां से मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग शुरू किया, यू पकड़ा कैमरा, हेलो दोस्तों कैसे हो वगैरह वगैरह जो हम बोलते हैं, मतलब ठीक है बोल दिया ऐसे करके। फिर मैंने एडिट वगैरह किया, तो मेरे दिमाग में आए नहीं कि ऐसे हो क्यों रहा है, मतलब मैं तो ठीक बना रही हूँ ब्लॉग, मतलब वीडियो तो अच्छी बन रही है, पर ये एडिट करते टाइम में ऐसे क्यों आ रहा है, जैसे आता है जो व्लॉग बनाते हैं उनको पता होगा, है ना।
एडिटिंग जिनको आती है, तो मैंने बोला ऐसे क्यों आ रहा है, फिर मैंने वो जैसे तैसे वो डाल दी, मतलब डाल दिया मैंने यूट्यूब पर। अगर आप लोग देखोगे अभी भी तो वो ब्लॉग ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैंने ब्लॉग डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे बनाती रही, फिर एक फिर दूसरा ब्लॉग डाला मैंने, शायद दूसरा ब्लॉग मैंने सही डाला शायद, है ना, दूसरा ब्लॉग बनाया ऐसे में, तब जाके मुझे समझ आया कि ऐसे नहीं पकड़ते फोन को, ऐसे पकड़ते, मतलब मुझे फोन पकड़ना तक नहीं आता था कि ब्लॉग बनाने के लिए फोन कैसे पकड़े, ऐसे या फिर ऐसे। तब फिर मैंने फोन को ऐसे पकड़ना शुरू किया। फिर मैं, हमारे गांव में शादी थी, फिर मैंने स्वामी जी को बोला, वो वाला ब्लॉग जो है मेरा ना, जो फर्स्ट ब्लॉग था मेरा, जो फोन खराब किया हुआ उसी का था, ठीक है। फिर मैंने स्वामी जी को बोला कि मुझे दूसरा फोन, दूसरा फोन नहीं, दूसरे फोन का ही था वो। फिर हमारे गांव में शादी थी, तो मैंने सोचा अब मैं ऐसे ब्लॉग डालूंगी शादी के, मतलब कुछ भी है जैसे होता है जब हमारे गांव में कुछ होगा, या फिर मैं अपने कुछ मतलब अच्छे अच्छे ब्लॉग। फिर मैंने ब्लॉगिंग कर दी स्टार्ट, तो डालती गई मैं। फिर बाद मुझे पता चला कि इसमें क्या क्या होता है, मतलब इसमें पैसे भी मिलते हैं, या फिर इसमें ऐसा ऐसे ग्रो करना पड़ता है चैनल, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद इतने मिलते हैं, अलाना फलाना, मतलब धीरे धीरे मैंने कहा है। जब मैं 6 महीने हो गए थे मुझे यूट्यूब पर, तब जाके मुझे पता चला कि यूट्यूब पर पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते क्या, मतलब यूट्यूब पर ब्लॉग, हम ब्लॉग बना सकते हैं, हमें इतने सब्सक्राइबर चाहिए, इतने हो चाहिए। फिर तो वैसे तो आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पर बहुत टाइम लगता है टाइम, मेरा नहीं थे सब्सक्राइबर, बहुत कम थे मेरे। फिर मेरी जिंदगी बदली इंस्टाग्राम ने, तो इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो हो गई वायरल, ठीक है। तो मैं इंस्टाग्राम पे बनाती गई, इंस्टाग्राम पर मेरी एक वीडियो वायरल हुई, फिर इंस्टाग्राम पर मेरी वीडियो वायरल होती गई, तो इंस्टाग्राम पर मतलब बहुत लोग बोलते थे कि आप अपना चैनल यूट्यूब पर खोलो, है ना। मैंने कहा हाँ, चैनल तो है मेरा यूट्यूब पर खुला हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पर ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए, मतलब डेली अपने ऐसे ब्लॉग, तो मैं ऐसे बनाती गई। फिर मैंने मतलब फिर इंस्टाग्राम के जो फैंस थे मेरे, फॉलोअर्स थे, तो वो काफी लोग मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ गए, तो इसी की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, और बहुत जल्दी हो गया था, 9 महीने में हो गया था मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज। तो 29 मार्च 2023 को मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला, तो उसी टाइम से जुड़ जाता है यूट्यूब का, कि उस दिन आपको फर्स्ट दिन हो गया था, मुझे पता भी नहीं था, मुझे बाद में पता चला, ठीक है। तो 9 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, और जब मेरा चैनल 1 साल हो गया, तो मेरा एडसेंस भी आ गया था। 1 साल से पहले मेरा एडसेंस भी आ गया था, मतलब $10 कम्प्लीट हो गए थे उसमें, और अभी हो गए मतलब, तो अभी तो कुछ नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं मिलता, और ये बात रियल है, सच्ची है, मतलब अभी मुझे कुछ नहीं मिलता। तो जिस दिन मुझे कुछ मिलने लगेगा, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है गाइस। तो बस यही था, तो यही था हमारा वो कि कब से ज्वाइन किया। तो ज्वाइन मैंने 29 मार्च 2023 को किया, और आज क्या है, आज है कितना, अप्रैल, आज मई, 2 मई है आज, तो आज 2 मई 2024 है। तो मुझे 1 साल 2 महीने हो गए यूट्यूब पर ब्लॉग बनाते बनाते, और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे, बहुत कम ब्लॉग है मेरे, क्योंकि मैंने बहुत देर में शुरू किए थे, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे डेली ब्लॉग डालने पड़ते हैं। और अभी तक मुझे यार इतना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चों के साथ घर का काम बहुत ज्यादा काम होता है, तो अभी मैं सोच रही हूँ मतलब मैं डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ, है ना, होता है ना कि आप चैनल बन गया तो कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, तो यही है मेरा भी। तो अभी धीरे धीरे आप लोगों में अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के दिखाऊंगी, थोड़ा मेरे बच्चे थोड़ा स्कूल मतलब थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद बनाए रखना मेरे ऊपर भी, जैसे आप लोगों के ऊपर बनाए रखते हो, तो मेरे ऊपर भी बनाए रखना, और मुझे भी सपोर्ट करना। तो और तब बाकी तो कुछ नहीं, तभी भी मेरा घर का काम पूरा नहीं हुआ है, और क्या करूँ, मैं तो चाह रही हूँ कि ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर दूँ, तो देखते हैं अगर आगे बन पाएगा तो बनाऊंगी, और नहीं बन पाएगा तो सॉरी उसके लिए, ठीक है गाइस।